हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। तो स्वागत है आप सभी का फेसबुक टॉप सीक्रेट शो का फोर्थ एपिसोड पे। आज का जो एपिसोड है वो है YouTube वर्सेस Facebook के ऊपर। आप लोगों के सामने मैं आज कुछ फैक्ट रखने वाला हूँ जिसके ऊपर आप लोग डिपेंड करोगे आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। यहाँ पे मैं कोई भी कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ कि YouTube ख़राब है Facebook अच्छा है, सिर्फ फैक्ट रख रहा हूँ कौन सा क्रिएटर के लिए कौन सा अच्छा होगा। अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आपको कैसे इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके आज के इस एपिसोड पे एक एक फैक्ट को आपके सामने रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फैक्ट है वो है न्यू क्रिएटर लोगों के लिए। अब भले YouTube पे हो, भले Facebook पे हो, या फिर दोनों में से अभी तक आपने कोई डिसीजन नहीं लिए हो कि कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहला फैक्ट YouTube वर्सेस Facebook का जो बताऊँगा वो है, न्यू क्रिएटर अगर जल्दी जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो वो सबसे जल्दी पॉसिबल होता है Facebook पे। अब ये कैसे? आप एक पेज Facebook पे बनाओ, आप एक चैनल YouTube पे बनाओ, दोनों में आप सेम वीडियो अपलोड करो और फिर उन दोनों वीडियोस को आप शेयर करो। आप जो भी लोगों को पहचानते हो, जानते हो, उन लोगों के साथ आप शेयर करो और दो दिन के बाद आप देखो आपके कौन सा वीडियो पे ज़्यादा व्यू आया है, कौन सा वीडियो को ज़्यादा रीच मिला है। आपको खुद इस फैक्ट के बारे में पता चल जाएगा। एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब, फेसबुक के जो वीडियो है उस पे आपको बहुत ज़्यादा रीच मिलता है। तो नए क्रिएटर जो जल्दी जल्दी ग्रो करना चाहते हो वो लोग फेसबुक पे आ सकते हो। अब नेक्स्ट फैक्ट वो है, फेसबुक जो है वो आपके पेज के कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करता है ऑर्गेनिकली। ये एक सच बात है, जहाँ पे YouTube उतना ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुँचाता नहीं है आपका कंटेंट को, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो। यहाँ पे मैंने Facebook पेज ऐसे भी क्रिएटर को देखा जो लोग 7 से 14 दिन में 10,000 फॉलोअर कंप्लीट कर लेते हैं। YouTube पे वही 10,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत चाहिए होता है। ये एक सच है, आप कह सकते हो ये एक काला सच है, डार्क सीक्रेट है। तो एज ए क्रिएटर आपको चूज करना है आप कौन सा प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहोगे, मगर वीडियो को पहले पूरा सुन लो, समझ लो, उसके बाद ही डिसीजन लेना। अब दोस्तों, बहुत कम टाइम पे बहुत ज़्यादा रीच देता है फेसबुक, ये तो एक सच है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा जब मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा रीच देता है फेसबुक। यहाँ पे सबसे जो वाइटल पॉइंट है वो है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपका कंटेंट कौन सा कैटेगरी में है, किस टाइप का है, क्या आपका कंटेंट फेसबुक पेज पे फिट बैठता है या आपका कंटेंट यूट्यूब पे फिट बैठता है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या बता दिया, तो इसका मैं एक पूरा एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी आप लोगों को देने वाला हूँ। मैं खुद का ही एग्जांपल पकड़ता हूँ, मेरा नाम दीप्तनुशील है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी दीप्तनुशील है और मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। अगर मैं दीप्तनुशील पेज भी फेसबुक पे ओपन करता हूँ और मेरे जो यूट्यूब के कंटेंट है उसको मैं फेसबुक पेज पे भी डालता हूँ, मेरे केस पे YouTube पे ज़्यादा चांसेस है ग्रो करने का, YouTube पे ज़्यादा पोटेंशियल है मेरे कंटेंट का रीच और व्यू मिलने का। ऐसा क्यों? फिर मेरा कंटेंट क्यों Facebook पेज पे ज़्यादा रीच ग्रो नहीं कर पाएगा, जबकि मैं खुद बोल रहा हूँ Facebook पे ज़्यादा रीच है, Facebook पे ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है नए क्रिएटर को, तो फिर मेरा खुद का कंटेंट ही Facebook पे क्यों मार खा जाएगा। यहाँ पे बात आता है टॉपिक कैटेगरी का।
मेरा जो जोनर है, मैं जिस टाइप का कंटेंट क्रिएट करता हूँ वो टाइप का कंटेंट लोग एडुकेशनल पर्पस सर्च करके देखता है। आप भी अगर मेरे वीडियो को अभी देख रहे हो, शायद किसी ना किसी वक्त हो सकता है आप भी सर्च करके मेरे चैनल पे आए थे। मगर फेसबुक का खेल अलग है। फेसबुक पे सर्च करके देखने वाला वीडियो ऑडियंस बहुत बहुत कम है YouTube के मुताबिक। इस वजह से मैं अगर मेरा कंटेंट को Facebook पे डालूंगा तो उस पे ज़्यादा ऑडियंस जो है एंगेज नहीं होगा, और एंगेजमेंट Facebook पे जितना ज़्यादा होता है कंटेंट का रीच उतना ज़्यादा करता है Facebook। मगर YouTube पे अगर आपके कंटेंट पे सिर्फ एंगेजमेंट होता है, वॉच टाइम नहीं मिलता है आपको पूरा का पूरा, तो आपका कंटेंट का रीच उतना ज़्यादा YouTube एल्गोरिदम नहीं करता है। यहाँ पे ही मेन डिफरेंस है, मेन सीक्रेट है YouTube वर्सेस Facebook का। भले आपके वीडियो को YouTube प्लेटफॉर्म पे 10 आदमी ने ओपन कर लिया, मगर 10 आदमी ने अगर आपके वीडियो को आधा तक भी नहीं देखता है तो आपका रीच बढ़ने का चांसेस डाउन हो जाता है YouTube प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम ऑर्गेनिकली सबसे ज़्यादा वॉच टाइम को प्रेफरेंस देता है। मगर Facebook का एल्गोरिदम एंगेजमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। अगर आपका कोई भी कंटेंट 10 लोग ओपन करके देखता है तो फिर Facebook का एल्गोरिदम और 20 लोगों को पहुंचाता है, और फिर उस 20 लोगों में से अगर किसी 10 व्यक्ति ने और खोल के देखता है, सिर्फ देखना है, वॉच टाइम नहीं चाहिए वहाँ पे, अगर देखता है तो Facebook उस कंटेंट को फिर 40 लोगों तक पहुंचाता है। तो इस वजह से नए क्रिएटर लोगों के लिए बहुत बड़ा चांस हो जाता है Facebook प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा रीच को बढ़ाने का अपने कंटेंट के द्वारा। इसीलिए दोस्तों 2020 में YouTube पे मेहनत करके कंटेंट को ग्रो करना टफ होता है एज़ कम्पेयर टू Facebook, और ये एक काला सच है। मुझे ये लग रहा था कि ये जो सीक्रेट है ये आप लोगों जो नए क्रिएटर हो उन लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मगर यहाँ पे कंक्लूशन करने से पहले जो सबसे वाइटल पॉइंट है ये आपको एज ए क्रिएटर समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस कंटेंट को लेके फोकस कर रहे हो, जिस कंटेंट पे आपका रुचि है, क्या वो कंटेंट यूट्यूब के लिए बना है या फेसबुक के लिए बना है। फेसबुक पे किस तरीके का कंटेंट चलता है उसके ऊपर पूरा डिटेलिंग में वीडियो चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है, जहाँ पे मैंने नया 15 आइडिया भी आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था और किस तरीके का कंटेंट चलता है और भी मैंने वीडियो बना के रखे हैं। तो अगर किसी भी क्रिएटर को वो जानना है तो मेरे वीडियो को चैनल पे ज़रूर देखिए, तो आपको ज़्यादा मालूम पड़ेगा। आज का ये फैक्ट जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया YouTube वर्सेस Facebook, वो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताना। हो सकता है किसी किसी का कंटेंट जो है YouTube के लिए बना है और किसी किसी का कंटेंट जो है Facebook के लिए बना है, तो कहाँ पे मेहनत करना है ये डिसीजन आपको लेना है। अगर वीडियो से कोई वैल्यू मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के इस एपिसोड पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।